वेलकम बैक टू माई चैनल नूरवी क्रिएशंस। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं फ्रॉम फागू और यहाँ पे हम स्टे कर रहे थे इन एप्पल ब्लॉसम। मैं आपको आज इसका टूर देने वाली हूँ। आई होप आपको ये जो प्लेस है वो अच्छी लगेगी। हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं एप्पल ब्लॉसम में। ये जो हिमाचल टूरिज्म का होटल है ये, और यहाँ पे जो चार्जेस हैं बाकी जो आसपास के होटल्स हैं उनसे काफ़ी कम है। दिस इज़ एंट्री टू द होटल और यहाँ पे सबसे पहले आते ही रिसेप्शन है और यहाँ पे जो मैनेजर हैं साइड पे वो बैठे होते हैं। प्लस यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है टू सिट वाइल वेटिंग। एंट्री करते ही ये है रेस्टोरेंट एरिया। अगर आप किसी और होटल में स्टे कर रहे हैं तब भी आप यहाँ आके इजीली खा सकते हैं, और अगर आप इसी होटल में स्टे कर रहे हैं तो चाहे आप रूम में सर्विस मंगवा सकते हैं और चाहे आप यहाँ पे आके खा सकते हैं। वेटिंग एरिया के साथ ही स्टेयर्स हैं जो ऊपर जा रही हैं, और यहाँ से हम चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे गए थे जहाँ पे हमारा रूम था। ये हम पहुँच गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे और ये काफ़ी आपको एक खुला सा एरिया नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे इस साइड पे काफ़ी सारे रूम थे, इनमें से हमारा रूम नहीं था। हमारा रूम थोड़ा यहाँ से आगे जाके था। और चलिए मैं दिखाती हूँ हमारा रूम। ये जो स्टेयर्स जाती हैं ये सेकंड फ्लोर पे जाएंगी, और इस साइड पे हमारा जो लास्ट रूम आपको दिख रहा है वो था 304। दिस इज़ आर रूम। और इसके आगे भी कुछ रूम्स बने हुए थे, यू कैन सी। बट इस जो पूरे फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ दो ही रूम ऑक्यूपाइड थे। एक हमारा था, एक जो हमारे साथ कपल था उन्हीं का, और बाकी जो फ्लोर था वो खाली था। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द विंडो जो हमारे रूम के बिल्कुल बाहर है उससे। ये थोड़ा फॉगी है इस टाइम, इसलिए आपको क्लियर माउंटेंस नहीं दिख रहे होंगे। अदरवाइज यहाँ से जो माउंटेंस हैं, पूरे लेयर्स ऑफ माउंटेंस, मतलब बहुत अच्छा व्यू था यहाँ से। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक ये रूम बना हुआ है। अगर आप कोई डेस्टिनेशन फंक्शन करना चाहते हैं, वेडिंग करना चाहते हैं, बर्थडे पार्टी करना चाहते हैं, तो ये पूरा उसके हिसाब से जो रूम है ये बना हुआ है। आइए चलिए देखें अब सेकंड फ्लोर के ऊपर क्या है। सेकंड फ्लोर पे भी वैसे ही रूम है जैसे हमारे रूम है, और यहाँ पे ये जो सीढ़ियाँ हैं थोड़ी सी ऊपर जाती हैं। ये रूफ टॉप है ड्यू टू द स्नो, और उसकी साइड पे ऐसे रूम थे। यहाँ पे कुछ खाने पीने की खुशबू आ रही थी, मे बी ये जो खाना है यहाँ पे स्टोर करते होंगे, आई डोंट नो। और यहाँ की विंडो से दिस इज द व्यू, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से भी। लेट मी शो यू द ग्राउंड फ्लोर। ये ऊपर रूम्स के साथ कनेक्टेड है, हमारे रूम्स के साथ कनेक्टेड थी ये स्टेयर्स। और यहाँ पे वॉशरूम्स बने हुए हैं, ये उनके लिए हैं जो सीधा रेस्टोरेंट यूज करते हैं। और यहाँ पे भी कुछ रूम्स थे, और यहाँ से जो आउटर एरिया है वो कुछ इस टाइप का लग रहा था। यहाँ से जो आपको लेफ्ट पे दिख रहा है रूम, दैट इज सम ऑफिस। यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए थे, मैंने बाहर से ही रिकॉर्ड किया है। और इसके आगे ही अटैच जो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको दिख रहा है, दैट इज किचन एरिया, जहाँ से आपका जो फूड है वो बन के रेडी होके बाहर आ रहा था। एंड नो एडमिशन। दिस इज़ द आउटर एरिया जो रूम के बाहर से मैंने आपको दिखाया था, हमें दिख रहा था। तो बेसिकली अगर आप मेन रोड से आएंगे तो दिस इज़ द फ्रंट व्यू जो आपको दिखेगा होटल का। और ये जो है एरिया, ये पीछे की तरफ से है। यहाँ पे नीचे एक स्कूल था और काफ़ी सारे जो एप्पल के ट्रीज हैं वहाँ पे लगे हुए थे। इट्स टाइम फॉर रूम टूर, और हमारे जो रूम के बाहर की विंडो थी उससे कुछ इस टाइप का व्यू था। फिलहाल फॉग है तो आपको क्लियर नहीं दिख रहा। दिस इज़ आर रूम एंड 304 इसका नंबर था।
डोर के बिल्कुल पीछे लगेज की काफ़ी स्पेसिंग है। यहाँ पे हमने काफ़ी सारा अपना लगेज रखा हुआ था, नीचे शूज़ रखे हुए थे, ये कबर्ड था। अगर आपने कुछ टांगना है तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े हैंग करके रखे हुए थे, हमारी जो कार कीज थी वो यहाँ पे पड़ी थी, और एक छोटा अटैची हमने नीचे रखा हुआ था। बिल्कुल एंट्री पे ही वॉशरूम था और ये बिल्कुल वाइट कलर का था। यहाँ पे जो गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों आ रहे थे, गीज़र लगा हुआ था, ऊपर एक लाइट थी। और दिस इज़ मी, हाय। और ये था वॉश बेसिन। और यहाँ पे जो आई फेल्ट की एरिया बहुत ज़्यादा था और ये जो प्रॉब्लमेटिक था, ये टॉवल हैंग क्यों हैं, ये जो टॉवल थे इन्होंने प्रोवाइड किए थे। एंड ये है ड्रेसिंग एरिया। वी आर अबाउट टू चेक आउट, इसलिए जो लगेज है उसको थोड़ा सा इग्नोर करें। ये है बेड और बेड की साइड्स के ऊपर साइड टेबल्स हैं, एक साइड के ऊपर पानी है, प्लस लैंप्स दोनों साइड के ऊपर हैं और इनके जो स्विचेस हैं वो बिल्कुल इनके साथ ही हैं। दूसरी साइड के ऊपर एक चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ था एंड जो फ़ोन की फैसिलिटी थी वो भी थी। ये जो दो बेड्स थे इनके बीच में थोड़ा सा जो गैप था वो प्रॉब्लमेटिक था, हमने इसके अंदर जो टॉल थे वो रैप करके डाले थे। और दिस इज़ द सिटिंग अरेंजमेंट ऑन द अदर साइड। दिस इज सेंटर टेबल, यहाँ पे आप रख के आराम से चाय पानी पी सकते हैं, अपना खाना खा सकते हैं। द अदर टेबल इज़ अगर आपको कुछ काम करना है, लैपटॉप रख के, एंड एक टीवी था वहाँ पे, केबल चल रहा था, तो बच्चों ने काफ़ी सारे कार्टून्स इन्जॉय किए यहाँ पे, तो ये भी एक टेबल है सामान रखने के लिए, प्लस एक स्टूल भी था। एंड दिस इज़ द आउटर व्यू फ्रॉम द रूम। इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप तो जो फर्स्ट चीज़ आपको चाहिए होती है एक बहुत अच्छा व्यू फ्रॉम द रूम, सो दिस इज़ द एप्रोप्रिएट थिंग दैट वी कैन गेट। और ये जो व्यू था बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सड़क है और यहाँ पे काफ़ी सारे घर से बने हुए हैं। एक साइड पे यहाँ पे स्कूल था और यहाँ पे जो एप्पल के ट्रीज़ हैं वो लगे हुए हैं। दिस इज़ द स्कूल, जो रेड वाली आपको बिल्डिंग दिख रही है। जो पहाड़ों का वेदर होता है ना, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। हमने यहाँ पे रेन एक्सपीरियंस की है, हमने यहाँ पे क्लाउड्स एक्सपीरियंस किए हैं, फॉग एक्सपीरियंस की है, और हमने यहाँ पे धूप एक्सपीरियंस की है। सो या वेरी नाइस वेदर और द आउटर व्यू इज़ वेरी नाइस। ये एक और विंडो थी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, उसकी रिकॉर्डिंग है फ्रॉम द फर्स्ट डे, जिस दिन बारिश हो रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं धीमी धीमी सी बारिश हो रही है, एक साइड के ऊपर ये क्लाउड दिख रहा है आपको और दूसरी साइड के ऊपर धूप निकली हुई है, तो कुछ इस टाइप का वेदर था फागू का। वो देखो, वो एरिया आपको दिख रहा है, वो एरिया दैट इज अम्यूजमेंट पार्क। ये जो होटल है ये गवर्नमेंट का है और यहाँ पे जो सर्विसेज हैं ये थोड़ी सी गवर्नमेंट टाइप की हैं। और फर्स्ट डे क्योंकि बारिश बहुत तेज थी तो इसकी वजह से यहाँ पे लाइट की काफ़ी प्रॉब्लम थी, बट कल से वो प्रॉब्लम नहीं आई कल सुबह से, बट परसों तो बहुत प्रॉब्लम थी जब हम यहाँ आए थे। और यहाँ पे एक हम बाउल पड़ा हुआ था और हम सोच रहे थे ये किसके लिए है, सिगरेट तो यहाँ पे कोई नहीं पीता। बाद में हमें पता चला कि वो लाइट के लिए, एक कैंडल वो जला के चले गए यहाँ पे, तो हमने चलो एनी हाउ लाइट की प्रॉब्लम थी उस दिन क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ थी और पहाड़ों के ऊपर इतनी मे बी अच्छी सर्विसेज नहीं थी, तो दैट वाज अ प्रॉब्लम। अदरवाइज यहाँ पे हमारा स्टे बहुत अच्छा था, प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी है। और यहाँ पे 26 रूम्स हैं और आई थिंक 5 ही यहाँ पे जो रूम्स थे वो ऑक्यूपाइड थे। और जो मतलब जैसे कोरोना की वजह से रश नहीं था बिल्कुल भी और आइसोलेटेड था काफ़ी, हमारे दोनों के जो रूम्स थे दोनों कपल्स के वो साथ साथ थे। और जो व्यू है यहाँ से वो बहुत अच्छा था और अम्यूज़मेंट पार्क भी यहाँ से बहुत क्लोज था, लाइक 1 किलोमीटर मैंने आपको बाहर से दिखाया था वो दिख रहा था। और जो कुफरी का जू था यहाँ से 6 किलोमीटर था और 18 किलोमीटर्स यहाँ से जो है शिमला वो हमें पड़ेगा। अब हम नीचे जा रहे हैं शिमला और बाकी का जो व्यू है हम वहाँ देखेंगे। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो आपको उस अकॉर्डिंग बच्चों के कपड़े और खुद के कपड़े उठाने पड़ेंगे।
मोस्टली हमने जैकेट्स में, ये हम एंड ऑफ सितंबर में हैं तो हमने ऑलमोस्ट बिल्कुल सर्दियों वाले कपड़े जो हम नॉर्थ में पहनते हैं हमने वही पहने हुए थे जनवरी की ठंड वाले, तो बहुत ठंडा मौसम था यहाँ पे. बाकी वी हैड अ नाइस टाइम एंड वी हैड अ नाइस स्टे. दिस इज़ ऑल अबाउट फागू और ये जो प्लेस है पर्टिकुलर ये है द एप्पल ब्लॉसम. और जो फागू है ये वो शिमला से अराउंड 18 किलोमीटर्स अपहिल है. If you are someone who doesn't like much of crowd जो शिमला में है जैसे, और जिसको व्यू देखने बहुत अच्छे लगते हैं, तो this is the place for you. यहाँ के जो व्यू है वो बहुत सुंदर हैं और यहाँ जो रश है बहुत कम है कंपैरेटिवली. यहाँ से कुफरी का जो जू है इज़ अराउंड 6 किलोमीटर्स और अम्यूजमेंट पार्क है यहाँ पे दैट इज़ अराउंड 1 किलोमीटर इस प्लेस से. If you like the video, please like, share and do subscribe to the channel. Bye-bye.